अगर पकड़े गए तो सीधा रोमानिया की जेल में होंगे। शांत हो जाओ, यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। उस तरफ। इस तरफ? हाँ। अच्छा, वहाँ ऊपर है। ए, तुम्हें पक्का पता है कि वहाँ ऊपर ही है? जी हाँ। हाँ, वो जानता है मिस्टर मैक। हाँ, मैं जानता हूँ। कोई गड़बड़ ना हो, कह दो उसे। कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, चलो अपना सामान ले। तुम्हें यकीन नहीं था ना, यहाँ बेहिसाब खजाना होगा। यहाँ चर्च बनाने की किसी को क्या सूझी। ये देखो, तो देखो ये तो बड़ी खतरनाक है। यहां तो कुछ नहीं है, तो गुफा है कहां जहां तुम खड़े हो? अंदर कैसे जाएंगे? इसे उड़ा के। बिल्कुल सही, चलो चले। कैसी?
के हल्या खींचो 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 जल्दी खींचो वहां से खींचो खींचो जल्दी खींचो खींचो और अब खींचो जल्दी खींचो जोर लगाओ। तुम्हें नहीं लगता ये कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं है, शायद ये पुस्तोजना से भी गहरी हो। पकड़ के रखना। ये देखो, अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये वाकई कमाल की खोज है। चलो अंदर से देखते हैं। चलें। तुम तैयार हो? हाँ। सुना तुमने, बहता पानी ये अच्छी निशानी है। नेक, इधर आओ, जरा ये तो देखो। हमें गोताखोरों की जरूरत पड़ेगी, मैं जानता हूं किसे बुलाना चाहिए। कब से लगे हुए हैं हम? कुछ नहीं दिख रहा चार्ली, क्या एंटीना बिल्कुल बेकार है? अब दिखा? हाँ दिखा। वहां क्या कर रहा है? नीचे उतर। तो फिर कुछ मिला तुम लोगों को? नहीं, हमने बिल्कुल वही तलाश की जहां तुमने करने के लिए कहा था। गधो, बच्चे तुमसे पहले ढूंढ लाते। हाँ तो टॉप। हाँ। जैको टेलर वापस आ गए? अभी नहीं। वो देखो टाइलर की यूनिट, उन्होंने ढूंढ लिया। मैदान फिर से मार लिया साले ने। जय गुस्से में होगा, उसने 5 मिनट पहले सबको बुलवाया था। कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ ये बेवकूफी थी, पर काम तो हो गया ना। जिस वक्त बुलाओ उसी वक्त आ जा करो। ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें सिग्नल मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं स्टोरी। आप मिला? हाँ हाँ। डॉक्टर निकला है। हेलो। हे जैक, कहिए क्या खबर है? जैक, खबर तो अच्छी है। अच्छा, सच? हम ऊपर से सब स्कैन कर चुके हैं, गुफा बहुत बड़ी है जैक। एक नदी भी है बड़ी गुफा के पास। इस नदी की लंबाई 90 मील है। यहाँ आकर ये गुफा देखनी चाहिए तुम्हें। अंडरग्राउंड नदियों में ये पहले नंबर पर होगी। हाँ शायद। डॉक्टर जेनिंग्स हमारे जीव वैज्ञानिक इस सब को शूट करने के लिए कैमरामैन ला रहे हैं, पर तुम तो जानते हो ये सब मुश्किल होगा। मुझे इस काम के लिए तुम्हारी टीम की और तुम्हारी जरूरत है। वाह, तो हम कब आए? हम इसी वक्त काम शुरू करना चाहते हैं। तो हम अभी आ रहे हैं, बेफिक्र रहिए। आने के लिए शुक्रिया जैक, मैं इंतजार करूंगा। चाओ। शुक्रिया डॉक्टर निकला।
आखिर मुलाकात हो ही गई डॉक्टर निकला। और आपसे भी जैक, आओ मैं आपको जगह दिखा दूं। हाँ। कोई खास चीज? वो रही मुख्य गुफा जैक, चाचा पहाड़ी के नीचे छिपी हुई। ए टाइलर, क्या हुआ? वैसे तो यहाँ सब कुछ ठीक है, पर इस मिक्सिंग कंप्यूटर को देखो, खराब हो गया है। इसे भी अभी खराब होना था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी प्रोग्रामिंग दोबारा करो। वो हेलो, तब तक मैं अपना प्रोग्राम सेट कर गया। हाय हाय, मैं हूं टाइलर मैकलिस्टर, इस दल का फर्स्ट स्काउट। एक सेकंड, अगर तुम पुराना। सॉरी, मैं बैठने की जगह बनाती हूँ। बैठ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर जेनिंग्स। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये है एलेक्स किम, हमारे कैमरामैन। मैंने आपका काम देखा है। मैंने भी आपके बारे में सुना है, मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। वैसे तो रीब्रीदर्स ऐसे नहीं होते, इसे किसने बनाया है? मेरे भाई जैक ने। सच? हाँ, हालांकि सारी प्रोग्रामिंग मैंने की है। ये कनिस्टर किस लिए? हम लिथियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं CO2 को फिल्टर करने के लिए। ये थोड़ा खतरनाक है, पर कैल्शियम से कहीं ज्यादा असरदार। इंसुलेशन चेक करने के लिए बैकअप तो है ना? एक नहीं, तीन तीन है, एक बैकअप, एक प्राइमरी और एक हार्ड। तो तुम कितने घंटे पानी में रह सकते हो, 18 या 20 घंटे? 24 घंटे। केट, एलेक्स, ये हैं जैक मैकलिस्टर। डॉक्टर जेनिंग्स, मिलकर अच्छा लगा। हमने आपके युकटान अभियानों के बारे में पढ़ा है, कमाल के हैं। शुक्रिया। और मुझे लगता है आपको गुफाओं के जीव विज्ञान में काफी दिलचस्पी है मिस्टर मैकलिस्टर। अब होने लगी है, और सिर्फ जैक कहिए प्लीज। कैथरीन, आप शायद कुछ सैंपल्स देखना चाहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। छोटे मियाँ, तमाम रिब्रीदर्स को दोबारा चेक करो। चेक किया, 14 में से 1। 14 में से 1? हर साल मरने वाले गुफा गोताखोरों की संख्या। ये क्या है? किसी बदनसीब के हैं, गुफा की शुरुआत पर ही मिले। टाइलर, आओ चलें। तुम इन लोगों के साथ कैसे आ गई? मेरे डैड का डाइव बिजनेस है नॉर्थ फ्लोरिडा में, और हाई स्कूल के बाद जैक की देखभाल डैड ने ही की। एक परिवार की तरह है हम। और टाइलर, उसने कॉलेज करके बिजनेस ज्वाइन किया। और ब्रेड्स, वो हमें मिला कैलिगरी के क्लब में डांस करते हुए। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए प्लीज, चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन ऑन करो। हाँ, अभी लो। मैंने इन गुफाओं के नक्शे को अच्छी तरह से समझा है। गुफा के प्रवेश के करीब 300 फुट नीचे एक और बहुत बड़ी सी गुफा है। डॉक्टर निकोलाई ने नाम दिया है टाइटन हॉल। ओ हाँ, वाकई बहुत बड़ी गुफा है। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है स्ट्रोड, हाँ करीब इस जगह, जो कि पानी के नीचे यहाँ तक आती है। आ गए मिस्टर लेट नदी। हमें यहाँ कोई सूखी गुफा तलाशनी है, जहाँ हम एडवांस बेस कैंप जमा सके और डॉक्टर निकोलाई और कैथरीन अपने सैंपल्स इकट्ठा कर सके। अब 12 दिन तक हम पानी के नीचे ही रहेंगे और अपना काम निपटा के ही लौटेंगे। या डॉक, तुम्हें कुछ कहना है? सब लोग याद रखें कि ये काम बहुत ही खतरनाक गंभीर किस्म का है, इसमें पहले ही एक की जान जा चुकी है, ये काम आसान नहीं है। ब्रिग्स, पहले तुम जाओगे। अरे यार। ठीक है बॉस। कोई सवाल? बहुत अच्छे। ये जाम, कुंवारी गुफाओं के नाम। चीयर्स। चीयर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवारियों के नाम भी। उन्होंने ऊपर वाले की रक्षक शक्तियों को दिखाने के लिए गुफा के ऊपर चर्च बनाकर उसे सील कर दिया। अब जरा सोच के देखो तुम, ये राजा इस गुफा में घुसा, और यहाँ की दंतकथा के अनुसार इन पंखों वाले राक्षसों से लड़ा। राक्षस? अच्छा, क्या वो जीत पाए?
अफसोस नहीं, यूरोप की लोक कथाओं का अंत ऐसा ही होता है। बाप रे, सीढ़ियां काफी सुरक्षित। ओ मुझे इससे नफरत है। ओ उनसे कहना अगली बार यहाँ लिफ्ट लगवाए। ये कुछ ज्यादा नहीं बोलती। वहां क्या रास्ता है डॉक्टर? वो क्या बात है, डाइटन हॉल कमाल की जगह है। मिल जाए तो नाम तुम रख देना और अपना ख्याल रखना। तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा टॉप, मेरे पास कुछ आइडियाज है, तुम जानते हो मैं अच्छा ही करूंगा। अच्छा अब अपनी घड़ियां 8:11 पर मिला लो। 3, 2, 1 मिलाओ। सब ठीक है, इससे बेहतर हो भी नहीं सकता टाइलर। सो तो है ब्रिक्स, अब मेरी बात सुनो। रास्ता बहुत लंबा है और मैं चाहता हूं कि तुम तेजी से जाओ। हाँ। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। सुखी गुफा मिलते ही तुम्हें फोन करूंगा जैक। मैं इंतजार करूंगा, अब जा। कैसा लग रहा है दोस्त? अंधेरा है, गहराई है और काफी खौफनाक है जैक। हमें तुम्हारी गहराई बताओ। गहराई है 1.62 फुट। और ऑक्सीजन की क्या रीडिंग है? ऑक्सीजन रीडिंग 1800। और तुम्हें कैसा लग रहा है ब्रिक्स? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टॉप, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी अच्छा लग रहा है। वहाँ नीचे कोई खतरा तो नहीं है? अभी तो ठीक है, गुफा में आगे एक मोड़ है, उस तरफ पहुंचकर शायद हमारा कनेक्शन टूट जाए। टाइलर से कहना कि सिग्नल केबल सेट करते, मैं उससे बात करूंगा। ब्रिक्स आत्मविश्वास अच्छा होता है लेकिन हद से ज्यादा हानिकारक होता है। चुप रहो टॉप, आत्मविश्वास उसी में होता है जिसे अपना काम बखूबी आता है। सिग्नल गया, अभी ठीक करता हूँ। शुक्रिया स्टोर, कोई बात नहीं। रात के 1 बजे तक तुम तैयार रहना। ओ मैं तो तैयार ही हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। मैं सबसे अच्छा गोताखोर हूं। हाँ जानता हूं, पर मुझे ब्रिक्स पर ज्यादा भरोसा है। तुम्हें रनर्स अप का प्राइज मिलता है। हाँ। तुम जाना चाहते थे ना वहां? हाँ, शायद वहां जाना मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं, ऐसा जिंदगी में होता है, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तो वहां तुम क्यों नहीं गए? ये मेरे भाई का फैसला था। टाइलर यहाँ। 3 बार कनेक्शन चेक कर चुका हूँ, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। सिस्टम बिल्कुल ठीक है पर फिलहाल सिग्नल नहीं है। जब तक कुछ मिल ना जाए हर 5 मिनट में चेक करते रहो। क्या बात है? अगर ब्रिक्स के 10 मिनट में कोई खबर नहीं आई तो मैं तुम्हें भेजूंगा। ये ब्रिक्स भी ना जरूर कोई नाटक कर रहा है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी तैयार रहना। ओके जैक, साथियों वो मिल गया। हेलो हेलो, जैक्सन हॉल, वहां कोई है भाई? क्या बात है। मॉर्निंग ब्रिक्स, हम सब यही है, तुम कहाँ? और गुड मॉर्निंग तुम्हें भी टॉप, मैं इस वक्त एडवांस बेस कैंप पर हूँ जिसका आज से नया नाम होगा कुबलाई खान।
तुम कितने नीचे हो ब्रिग्स? कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5 मील के करीब जैक। 2.5 मील जैक। अब मैं यहाँ की जानकारी भेज रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो। कमाल की जगह है यार, ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी। ब्रिग्स एक मिनट होल्ड करो, रुक जा, कोई चीज मेरे पास से गुजरी, पकड़ लिया। ठीक तो हो ना ब्रेक्स? तुझे तो मैं टाइलर के नाम से शायद ये भी चिढ़ता है। बहुत अच्छा ब्रेक्स, अब थोड़ी देर आराम कर लो। आराम करता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए ब्रेक्स? एक सेकंड रुको। ब्रेक्स यहाँ कुछ है। ब्रेक्स, ये सब क्या हो रहा है? शोर, वायर का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो ब्रेक्स? मुझे लगता है केबल सिग्नल चली गई। क्यों? हमें और एक गोताखोर को भेजना चाहिए एहतियात के तौर पर। ये क्या बात कर रहे हो, हम सबको पानी में उतरना होगा। टॉप और मैं उसे नीचे ढूंढने जा रहे हैं। टाइलर स्टोर, तुम लोग केबल को चेक करो। कम ऑन, जल्दी जल्दी। जरा धीरे धीरे चलते हैं, लाइन कहीं से भी टूटी हो सकती है। मैं तुम्हारे पीछे हूं दोस्त। अब तक तो सब ठीक है। हाँ, लेकिन सब कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम ठीक हो? हाँ, पर ब्रिक्स की फिक्र हो रही है। वो अपना ख्याल रख सकता है। गुफा तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अभी वक्त है निकलाए, फिलहाल सवारी के मजे लो। ये जगह तो युकेटन से भी ज्यादा बेहतर है। हे गेम, तुमने गुफाओं में लटक रहे उन पत्थरों की तस्वीरें ली? कमाल की चीज थी। मैंने ले लिए। बहुत ही बढ़िया थे। डॉक्टर निकला, आपको और कैथरीन को यह देखना चाहिए। एडवांस बेस कैंप करीब 200 मीटर दूर होगा। हाँ जैक, शुक्रिया, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। कहाँ हो ब्रिग्स? ब्रिग्स, ब्रिग्स, हे ब्रिग्स, आ गए मेरे जाने जिगर जाने तमन्ना। याओ, जरा ये देखो। यहाँ आने वाले हम पहले नहीं है दोस्त। हाँ, हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। ये क्या बोला जी? टाइलर, एक मिनट,
मैं एक सेकंड के लिए डाइट लाइन से परे जा रहा हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हो, मुझे लगता है शायद कोई छछुंदर था, अभी आया। ठीक है, तब तक मैं केबल का पॉइंट ढूंढता हूँ। फॉल्ट मुझे मिल गया है, बस कुछ ही मिनट और लगेंगे। स्ट्रोट, हाँ यही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। यहाँ ऊपर एक ऐसी जगह है जहाँ हम कैंप लगा सकते हैं। गर्म पानी होगा? होता तो मजा आ जाता। ठंडे से काम नहीं चलेगा क्या? टाइलर, सुन रहे हो दोस्त? टायलर, सुन रहे हो मुझे? क्या मुसीबत है स्टोर्ट, ये केबल तो चबाई हुई लगती है। टायलर तुम कहाँ हो? वो बचाओ बचाओ कह रहा था, जैसे उस पर हमला हुआ मैं उसे देखने गया, पर पता नहीं वहां क्या धमाका हुआ। शुक्र है डाइव लाइन ठीक है, फिर भी होशियार रहना। लगता है जैसे पूरी सुरंग ही ढह गई हो। वो जरूर यही कहीं होगा, रास्ता भी सिर्फ एक ही है। ये तो स्टोर्ट का ऑक्सीजन टैंक है, कुछ गड़बड़ जरूर होगा। ध्यान से, चट्टान गिर रही है। जैक डाइव लाइन पे वापस आ जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। पहली ये कि जिस रास्ते से हम आए थे अब वापस जा नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता बंद हो चुका है। और दूसरी कि ऊपर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम यहां फंस चुके हैं। हमारे पास करीब 12 दिनों के खाने का सामान है, इसीलिए जल्द यहां से निकलना होगा। एक मिनट रुको जैक, तुमने नहीं बताया कि स्टोर को क्या हुआ। टायलर को लगता है कि उस पर किसी ने हमला किया था, उसने आर्मी में कमांडर की ट्रेनिंग ली थी जैक, वो अपना काम अच्छी तरह से जानता था।
कोई चीज उसे खींच कर ले गई और मुझे पूरा यकीन है कि यह चीज वही होगी जो उन जूतों के मालिक को भी ले गई होगी। हमें इसका अफसोस है ब्रिक्स। स्टोर्ड हम सबका दोस्त था और ये बात मत भूलो। क्या कहते हो डॉक्टर निकलाय, स्टोर्ड किसका शिकार हुआ होगा? कुछ कह नहीं सकता, इतना बड़ा छछुंदर आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इस छछुंदर को देखकर साबित होता है कि खाने की यहाँ कमी नहीं। सवाल यह है कि क्या ये आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है या फिर सच्चाई कुछ और है? देखो, शायद स्टोर्ड के रीब्रीदर में कोई खराबी आ गई। कभी कभी घबराहट और परेशानी में ऐसा हो जाता है, और इसी घबराहट में उसका स्कूटर टूट गया। वजह जो भी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें यह सोचना है कि यहां से जिंदा कैसे निकले। जैक, ये कापेथियन पहाड़ है, यहां से निकलने का रास्ता ढूंढने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सुनो, यहां से निकलना आसान नहीं है। जैक, हम रुकते हैं, शायद कोई बचाव दल हमारी मदद के लिए आ जाए। डॉक्टर निकलाय, हम लोग सतह से 1 मील नीचे हैं और 3 मील अंदर। हमें यहां से निकालने वाले सब लोग यहीं मौजूद हैं। हम खुद ही बचाव दल हैं। आगे क्या करना होगा बताता, मैं और टॉप फौरन रास्ता खोजना शुरू कर देंगे। समझ गए? मेरी सलाह कि आप लोग आराम कर लेंगे, यही अच्छा रहेगा। चलो टॉप। कभी किसी साथी को नहीं खोया गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जैक, यहां गड़बड़ है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। घबराहट, परेशानी सब बकवास है, और ये तुम भी जानते हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा क्यों हुआ डाइलर? क्योंकि तुमने अपने साथी का साथ छोड़ दिया। उसे नहीं छोड़ा, मैं जानता था कि अरे रुक जाओ, बस करो, लड़ना बंद करो, बहुत हुआ, रुको। इस तरह झगड़ा करने से क्या वो आ जाएगा? अब चलो। ऐसी सफेद शैवाल पहले कभी नहीं देखी। हाँ, लगता है आहार श्रृंखला की हमें जड़ मिल गई। इस वक्त चिंता मुझे जड़ की नहीं है। हमसे पहले यहां कोई आ चुका है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये तो परजीवी है। ये उस छछुंदर का है। अच्छा, और ये सैलामैंडर का। ये तो वही परजीवी है। तुम्हें नहीं लगता हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए था? लगता है ये यहीं खुलती है, इसमें से जाने की कोशिश करता हूं। टॉप,
क्या? वापस जाना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जैक तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बताओ। ये चीज है क्या? इसे क्या हुआ टॉप? ये इसके कपड़ों में फंसा हुआ था। ये क्या है? मैंने इसे काट दिया। तुम उसे देख पाए थे? नहीं, तेजी से निकल गया। ज्यादा हिलना नहीं। वो कितना बड़ा था? काफी बड़ा। घाव कैसा है टॉप? बहुत ही गहरा है। तुम्हें एंटीबायोटिक्स देने होंगे। एक सिरिंज देना। उसे तो ठीक है। ये उभयचर जीवों से मिलते जुलते तंतु हैं, पर बालों के फॉलिकल से कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर एक बात मैं जानती हूँ कि एक नरभक्षी है। वाह, हम भी आहार श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं। वो तो हम हमेशा ही थे, सिर्फ शहरों में रहते हुए भूल गए थे। रिफ्लेक्सेस हैं, घबराओ मत। तो क्या ही है? डीएनए जांचे बिना ये बताना नामुमकिन है। शायद कोई ऐसी चीज हो जो हमने पहले कभी ना देखी हो। अभी तक हम लोगों को जितने भी गुफा जीव मिले हैं वो सारे सतह पर पैदा हुए थे। यहाँ पर वो अपनी नजर और रंग खो बैठे, पर सुनने और सूंघने की शक्तियां बहुत बढ़ गईं। अगर ये आहार श्रृंखला यहाँ पर उत्पन्न हुई है तो हाँ, हो सकता है ये कोई ऐसे पुराने युग का जीव हो जो बिल्कुल एकांत में पला बढ़ा हो। ये तो मुझे उस कहानी के राक्षस जैसी कोई चीज लगती है। देखो क्या वहाँ, ये अभी जिंदा है? ये चीज किसी से मिलती है ना? हाँ, उस परजीवी से। मुझे लगता है ये सब में मौजूद है। बस अब ये काम खत्म, हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है यहीं रुकना चाहिए। वाह, क्या कमाल का आइडिया है डॉक। इतना अच्छा आइडिया मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। सिर्फ जरूरी चीजें ले चलो, खासकर अपना डाइविंग का सामान। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। नीचे जाने से ऊपर जाना अच्छा होगा। हमें उन जूतों का मालिक मिल गया। इस पर दांतों के निशान हैं। अब चलो। थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं। मुझे लगता है आगे दो रास्ते हैं। दो हैं या एक भी नहीं? जैक कहाँ है? सुरंग के अंदर। तो हम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम तो उसका तरीका जानते हो, वो अकेला ही छानबीन करता है। हाँ, सारे तरीके जानता हूँ टॉप, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सोनार गन यहीं रखी है। रिलैक्स। यहाँ क्या हो रहा है?
कुछ करो जैक, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये क्या बेवकूफी है? जैक ने नदी की मुख्य धारा नहीं ली। यकीन से कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो तो ये वाली है, ये देखो वहां पर ऐसी चीज है जो वहां पहले नहीं थी। तो खुद ही जाकर क्यों नहीं देखते ब्रिक्स? वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं तैयार हूं, अब तुम लोग चढ़ सकते हो। ऊपर पहुंचकर मैं तुम्हारी पट्टी बदल दूंगा। मैं ठीक हूं। लगता है इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना? कितने अभियानों पर हम साथ जा चुके हैं टॉप? बहुत सारे। हमें थोड़ा आराम चाहिए। उस चीज की यहां रहते हुए उन्हें थोड़ा आराम करने देना चाहिए। बस एक बार पानी तक पहुंच जाए। पानी? यहां तो उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। हाँ लेकिन मुझे दे रही है। इस वक्त नहीं, पर हमें इस तरह की फुटेज चाहिए। ये कैमरा मेरे सामने से हटाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जैकी तुम क्या कर रहे हो? इस कैमरा से ली गई फुटेज से हम काफी पैसे कमा सकते थे। एलेक्स आई एम सॉरी। ठीक है, नीचे बहाव है, तुम लोग कुछ खा लो लेकिन बिल्कुल होशियार रहना। हम 20 मिनट आराम करेंगे। चिंता हो रही है, गैंग्रीन के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, कुछ कर नहीं सकते। शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने जैक को पहले कभी ऐसे नहीं देखा, वो बहुत चिड़चिड़ा है। हम 5 मील आगे ही रहते हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल है, ये तो पक्की बात है। जैक सबसे ज्यादा अनुभवी है, सिर्फ वही हमें यहाँ से निकाल सकता है। बकवास, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। कैसी तबीयत है जैक? तुम्हारी फिक्र हो रही है। ब्रिक्स मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये जानते हो ना? अगर मुझ पर भरोसा नहीं किया तो नहीं बचा पाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टाइलर, दोगे ना? हाँ। चलिए सब लोग पानी में उतरे।
ज्यादा दूर कोई ना जाए। सब लोग जल्दी पानी में उतरे। मैं उतर ही रहा। टॉप और टाइलर मेरे पीछे उतरे। टॉप, अगर जैक की तबीयत बिगड़ गई तो? जानता हूं, उम्मीद करो ऐसी नौबत ही ना। बहाव हमें ऊपर ले जा रहा है। हाँ, महसूस हो रहा है, लगता है ऊपर काफी दरारे हैं। सुनो, सब लोग अपना सामान संभाल कर रखना। यार, हम नहीं जानते ये झरना कहाँ जाता है। तो तुम क्या चाहती हो, वापस जाना? वो ठीक कह रही है, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। सिर्फ यही एक रास्ता है। ठीक है, पहले मैं जाता हूं। ठीक है, जाओ। डॉक्टर निकलाई, आप मेरे साथ चलेंगे। कुछ नहीं होगा, आप चलो। जायरा, तुम कैथरीन के साथ। अब चलो, ब्रेक, जॉली, चलो। ये लीजिए, अपने गॉगल्स पहनिए और मेरे साथ चलिए। चलिए, तुम्हारा भाई हम सबकी जान लेके ही छोड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इस पर यकीन करना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, पानी का बहाव बहुत तेज है। मैं पीछे नहीं आ सकता। कैथरीन, मेरे साथ है। निकला झरनों के ऊपर पत्थरों में फंस गए, उनकी हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, मशाल जलाओ। टॉप, मुझे वो दिख रहे हैं। हाँ, वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एलेक्स, तुम ठीक हो? क्या कमाल का आइडिया था,
शुक्र करो जिंदा हो। जैक सब लोग ठीक है? हाँ सब पास पास ही रहना। डॉक्टर निकल आए। टॉप रोशनी उधर घुमाओ, मैं उनके पास जाता हूं। बचाओ मुझे निकलाय, मैं यहां हूं। डॉक्टर निकलाय, यहां ऐसे नहीं रुक सकते, आसपास जरूर किनारा होगा। जब तक जैक नहीं आता कोई कहीं नहीं जाएगा। ये क्या था? कुछ ना। ये क्या? क्या हुआ? चीज थी। सब लोग घेरे में रहो। मैं और देख नहीं सकता। नहीं। निकलाय, निकलाय, जल्दी पानी से बाहर निकलो। उन्होंने कहा भी था कि गहराई में नहीं जाना, तुमने उन्हें मार डाला। नीचे आना ही नहीं चाहते थे वो, समझे? अब कोई फायदा नहीं कैथरीन। यहां कगार है, हम चल सकते हैं। ये आवाज किसी? एकोलोकेशन। जैसे चमगादड़ अंधेरे में भी पतंगे को ढूंढ लेता है, ये चीज हमें ढूंढ रही है। यही रुको, मैं आगे रास्ता देख के आता हूं। बहाव बहुत तेज है, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। हाँ। वो जरूर कहीं सतह पर निकलता होगा, लेकिन मुझे गहरे पानी का आइडिया ज्यादा जच रहा है। टायलर। हाँ? तुम और मैं दीवार पर चढ़ेंगे। पर पानी का बहाव इस तरफ है और हम उल्टे जा रहे हैं बहाव से। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो रस्सियां बांध देंगे, बाकी सब लोग ऊपर आ जाना। सबसे अच्छी चढ़ाई मैं कर सकती हूँ, पहले मैं जाऊंगी। कोई भी कहीं नहीं चढ़ेगा। ये देखो, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। तुम्हें अंदाजा भी नहीं ब्रेक्स के यहाँ क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं। ये जाल है,
दीवार का रास्ता ज्यादा बेहतर है। ये सही कह रहा है, मैं जाती हूँ। कहा ना नहीं, चलो चलते हैं। वो देख रहे हो, हमें वहां तक जाना है। मैं बाईं ओर से जाऊंगा, चलो शुरू कर दे। ठीक है। ये तुम लोगों की सुरक्षा के लिए। हमने इन प्रोपेन बॉल्स में छेद कर दिए ताकि तुम उस दानव को अपने आप से दूर रख सको। कोई भी चीज तुम्हारे सामने आए तो इससे डरा देना, कुछ एक धमाके भी कर सकते हो इससे। एलेक्स जरा मेरी मदद करना। हाँ। लीड करने के काबिल नहीं रहा। वो अजीब हरकतें कर रहा है, तुम भी तो देख रहे हो। वो मेरा भाई है। चार्ली, मैंने मना किया था। चार्ली ध्यान से पकड़ो, इसी वक्त वापस नीचे आ जाओ। चार्ली, मुझे कुछ नहीं होगा। कितनी फुर्ती है इसमें, रस्सी पकड़ो। मैं ऊपर जा रहा हूं। मैं भी। हम रास्ता ढूंढते हैं, चलो। बांध लिया तो तैयार। ये लड़की वाकई फुर्ती है। संभाल कर चार्ली। चार्ली, चार्ली दाई ओर पैर रखने की जगह है, दाई ओर चलती रहो। लगता है वो ऊपर पहुंच गई है। क्या बात है, पर हम लोग कैसे चढ़ेंगे? वो ऊपर पहुंच गई है और ठीक है, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही। मैंने रस्सी बांध दी है, तुम धीरे धीरे छोड़ते रहो। बहुत खूब चाली। क्या हो रहा है? रस्सी ठीक है ना? मैं आ रहा हूं चार्ली। चार्ली, जैक, मैं ऊपर पहुंच चुकी हूं, शायद यहां रास्ता हो। मैं ऊपर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। क्या हो रहा है चार्ली? तुम ठीक तो हो ना चार्ली? Come on!
मुझे नीचे उतारो, वो ऊपर है। रस्सी छुड़वाओ। मैं ऊपर जल्दी जल्दी रस्सी खींचो, रस्सी छुड़वाओ, कुछ करो, जल्दी करो। नीचे उतारो, प्लीज। बाहर तक पहुंचने के लिए काफी रस्सी है। तुम्हें क्या हो रहा है? जब तक हम लोग एक साथ रहेंगे हम उन्हें रोक पाएंगे। अब मैं जान गई, ये परजीवी है। ये परजीवी की वजह से है? वो अपने शिकार को ऐसे परिवर्तित करता है कि दोनों ही इस वातावरण में जिंदा रह सके। क्या हम सबके साथ भी यही होगा? नहीं जानती एलेक्स, ऐसा लगता है वो तुम्हारे घावों के रास्ते तुम्हारे खून में घुस गया है। चाहे वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर असर कर रहा है। और जो लोग पहले आए होंगे उनके साथ भी यही हुआ होगा? मतलब उसने उन्हें खा लिया? नहीं, जीवों ने उन्हें बिल्कुल नहीं खाया। जो मर रहे हैं वही जीव बन रहे हैं ना जैक, और अब हमें इनसे किसी भी तरह बचना होगा। उन्हें इन सब में मजा आ रहा है कैथरीन, और तुम भी हमारे साथ यही करोगे जैक। जैक जैक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहां से निकाल सकते हो हमें। ये क्या कह रहे हो टाइलर? इसी की वजह से चार्ली और डॉक्टर निकोलाई की जान गई। सब इसी की वजह से हुआ। नहीं, अब और नहीं। ये नदी ही बाहर जाने का रास्ता, और हम यहीं से जाएंगे। कैथरीन ठीक कहती है, मैं उसके साथ हूं।
और किसे आना है हमारे साथ? तुम एलेक्स? अगर कल का सूरज देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। क्या बकवास है, हम सबको साथ रहना चाहिए। टाइलर, उसे ध्यान से देखो, वो इंसान नहीं रहा। हमें तुम्हारी जरूरत है। टाइलर, गुड लक। ठीक है, चलो पानी में उतरे। जो हम कर रहे हैं वो ठीक है ना? टाइलर, तुम्हें उसका एतबार करना चाहिए। काफी ठंड है। किस तरफ जाना है? नीचे। पक्की बात? हाँ, नीचे। मैं आगे रहता हूं, चलो। ठीक तो हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। रस्सी छोड़ रहा हूं। ने बर्फ में छेद कर दिया। मीथेन गैस जैसी गंध है। मुझे तो ये जंग का मैदान लगता है। जैसे निकलो ने अपनी कहानी में कहा था,
इसका मतलब रास्ता कहीं आसपास ही होगा। टॉप, टाइलर। वो रोशनी देख रहे हो? हाँ। अगर वहां ठंडा पानी है तो मतलब बाहर जाने का रास्ता वहीं से होगा। शायद तुम ठीक कर रहे हो, यह रास्ता जरूर सूखा रहा होगा। जैक, जैक, क्या हो रहा है तुम्हें? जैक, टॉप, क्या हो रहा है तुम्हें? जैक, तुम दोनों यहां से बाहर निकलो, मैं उन्हें लाने जा रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो जैक? अपनी हालत देखिए, तुमने टॉप से तो चला भी नहीं जा रहा, मुझे ही जाना होगा। अपना मास्क पहनो, चलो यहां से। मैं पानी में नहीं उतरूंगा और तुम वापस नहीं जाओगे। रुको रुको, ये ठीक कह रहा है। पागल मत बनो जैक, तुम हमें यहां तक लाए थे, तुम सही थे, पर अब मैं संभालूंगा और मैं उन्हें लाने जा रहा हूं। यही रास्ता है, जब तक चल सकेंगे चलते रहेंगे। मुसीबत का हल होता है। वो है कहां? देखो वो हिल रहा है। उसने एक रिवेटर ले लिया, वो हमारे साथ खेल रहा है।
ब्रिक्स वो कहाँ है? दोबारा लौट आते हैं। हमने रास्ता ढूंढ लिया। जैक सही था। हाँ। और कोई? ब्रिंग्स? नहीं, वो मारा गया। एलेक्स कहाँ? मुझे नहीं पता, हम बिछड़ गए थे। जब देखिए, चलो मेरे साथ चलो इस तरफ। नीचे तक जाना होगा। तैयार हो? तुम कर सकती हो। चलो चलो जरो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो भी कहते सांस लो। निकलना चाहिए, वो इसी तरफ आ रहे हैं। देखो मैं पानी में फिर से नहीं जा सकती। चलो
यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बर्फीली धारी के पास है, ये जरूर किसी और रास्ते से मिलता होगा। चलो चलो। यही कहीं आसपास ही होंगे। पर कहां? जैक, टॉप, चुप हो जाओ, अपनी टॉर्च बंद कर दो। ब्रिक्स कहां है? वहां पर नजर रख रहा है, आवाज की मदद से पानी की धारा उन्हें उलझा रही है। हमारा एक रीब इधर ले तो गए हैं, पर उसके बाद से कुछ नहीं किया, शायद किसी चीज का इंतजार है। जैक वो हमारे पीछे भी थे। पानी में उतरो जल्दी, शायद इससे कुछ हो जाए। हमें अपने हवा और ऑक्सीजन के टैंक्स अलग करने होंगे, हालांकि वो इससे जल्दी खत्म हो जाएंगे, पर दूसरा कोई चारा नहीं। एक और रीब इधर चाहिए टाइलर। वो देख रहे हो? हाँ। मैं वहां जा रहा हूं, तुम बाकी को लेके पानी में उतरो। ठीक है, ठीक है। टॉप, उसे खोलना शुरू करो। कैथरीन, तुम्हें और एलेक्स को एक ही एयर टैंक से सांस लेना होगा। टॉप, इससे तुम्हारी ऑक्सीजन बचेगी, पर रेगुलेटर की रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। इस मैपिंग गन से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ठीक है, चलते, चलो चलो। Alex!
टाइलर यहां भी है। टाइलर कैथरीन। अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है। I'm sorry. वो तुम्हें याद आ रहा है? हाँ। याद है तुमने कहा था कि वो परजीवी उसे बदल रहा था? वो यहां जिंदा नहीं रह सकता था ना? नहीं, पर वो क्या है ना, मुझे लगा वो सिर्फ गुफा के वातावरण में ही जी पाता, पर अब कुछ कह नहीं सकती। शायद वो बाहर निकलना चाहता है।
अच्छे से चले।